बच्चों, आज मैं जो तुम्हें एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी का नाम है साधना का स्वरूप। यह एक वैश्य की कहानी है, वैश्य अर्थात व्यापारी। तो बहुत दिन पहले की बात है, किसी शहर में एक वैश्य रहता था। वह नीति पूर्वक अपनी आजीविका चलाता था। आजीविका चलाने के पूर्व उसके पास जो भी समय और धन बचता उसे वो अच्छे कामों में लगाता था। समय बचने पर वो अपने परिवार के साथ भी पूर्ण रूप से समय व्यतीत करता था। वो अपने परिवार को हर रूप से सुसंस्कारी बनाना चाहता था। उसकी साधना को देखते हुए भगवान इंद्र प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख आए और वैश्य को वरदान मांगने को कहा। वैश्य के पास तो किसी चीज की कमी नहीं थी। उसने सोचा कि ऐसा क्या वरदान मांगे कि भगवान की भी मनोकामना पूर्ण हो और मुझे अपना स्वाभिमान भी ना गंवाना पड़े। तो उसने भगवान इंद्र को कहा, हे देवराज इंद्र, आप मुझे ऐसा वर दें कि मैं जहां भी जाऊं वहां कल्याण ही बरसने लगे। भगवान उससे खुश हुए और उसे वैसा ही वर दिया। अब वैसे जहां भी जाता वहां कल्याण बरसने लगता। कुछ दिन इसी तरह बीतता चला गया। वो जहां जाता वहां ही लोगों का कल्याण होने लगता। इस तरह दिन बीतते गए। भगवान इंद्र ने देखा कि वैसे ने जो मुझसे वरदान मांगा है उससे तो वैसे का कुछ लाभ नहीं, फिर इसने मुझसे ऐसा वरदान क्यों मांगा। वह पुनः उस व्यापारी अर्थात वैश्य के पास आए और उससे कहा कि तुमने मुझसे ऐसा वरदान क्यों मांगा जिससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं। तो वैश्य ने कहा, भगवान, अगर मेरे कारण लोगों का कुछ भला होने लगे और तब वो मेरा गुणगान करने लगेंगे, जिसके कारण मेरे अंदर अहंकार पनपने लगेगा और मैं अपने साधना से वंचित हो जाऊंगा, जिससे जिस साधना से मुझे मिलने वाला लाभ मुझे नहीं मिलेगा। साधना का स्वरूप यही वरण्य और योग्य है। धर्म में निरंतर रहे जो वही पूजने के योग्य है।